गुड मॉर्निंग एवरी वन आई होप यू आर आर डूइंग वेल एट योर होम्स सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर ट्वेल्व ऑफ आर एस एस टी एंड आर टॉपिक इज़ आर हिस्ट्री इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट आर पास्ट ओके सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू सो प्लीज़ पे अटेंशन टू इट वॉट आई एम सेग हम जो भी बोल रहे हैं समझा रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनोगे इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस पास्ट हमारे कंट्री का जो पास्ट है हमारी हिस्ट्री जो है बहुत ही ग्लोरियस है ठीक है बहुत ही फेमस है आर हिस्ट्री इज डिवाइडेड इंटू थ्री पीरियड्स हमारा जो हिस्ट्री है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है कितने पीरियड्स में डिवाइडेड है थ्री सो द फर्स्ट वन इज योर एंशियन पीरियड दैट इज स्टार्ट फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू अराउंड सेवन हंड्रेड सी ई सी ई का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा सेकेंड इज योर मेडिवल पीरियड एंड इट्स स्टार्ट फ्राम सेवन हंड्रेड सी ई टू अबाउट सेवन हंड्रेड फिफ्टी सी ई एंड थर्ड जो है that is your modern period and it starts from 700 ce onwards so our history is divided into three parts first is your ancient period which starts from prehistory to around 700 ce prehistory ka matlab kya hota hai the time which do not have any written records ऐसा time history हमारे history का इतिहास का एक ऐसा वक्त जिसका कोई भी written records नहीं है उसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं ठीक है सो लेट्स रीड अबाउट एंशियन पीरियड फर्स्ट हिस्टोरियंस आर द पीपल हुटडी अबाउट हिस्ट्री हम लोगों को हमारे पास्ट के बारे में हमारे हिस्ट्री के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस मिलती है वो किन के हेल्प से मिलती है हिस्टोरियंस के हेल्प से हिस्टोरियंस ऐसे लोग होते हैं जो हमारे हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं हमारे इतिहास के हमारे पास्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं एंड जो भी फिर उससे इंफॉर्मेश्स गेन होती है जो भी उनसे उनको जानकारी मिलती है वो हम लोगों को विद द हेल्प ऑफ बुक्स एंड द रिटन रिकॉर्ड्स के मदद से हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं ठीक है सो वॉट द हिस्टोरियंस अबाउट द एंशियट पीरियड लेट सी यर फर्स्ट थिंग द अस दैट अबाउट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बी सी ई बी सी ई का मतलब बिफोर कॉमन एरा ठीक है सीई कॉमन एरा होता है एंड बी सी इज योर बिफोर कॉमन एरा तो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बी के अराउंड इंदस रिवर के पास जो कि अभी पाकिस्तान में है ये जो नदी बहती है पाकिस्तान में बहती है तो इंदस रिवर के पास सबसे पहली जो सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी वो थी इंदस वैली सिविलाइजेशन ठीक है सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है सभ्यता अब सभ्यता से आप सोचोगे कि क्या है सभ्यता का मीन्स एक टाइप का कल्चर जैसे हमारा भारतीय हमारी भारतीय सभ्यता है ठीक है थीके? हमारा एक अलग कल्चर है और जो फॉरेन कंट्री से जो लोग आते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब वेस्टर्न वेस्ट साइड के जो लोग हैं फॉरेन कंट्री से जो लोग आते हैं उनकी एक अपनी सभ्यता होती है होती है ना अब उनकी अपनी एक अलग सिविलाइजेशन होती है तो उसी वैसा ही बिल्कुल हिस्ट्री में हमारे सबसे पहला कौन सा सिविलाइजेशन सेटअप हुआ था इंदस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इज इट क्लियर ठीक है तो इस टाइम पे इस सिविलाइजेशन के टाइम पे सबसे पहले जो सिटी को डिस्कवर किया गया जिस सिटी को खोजा हिस्टोरियंस ने वो कौन सी सिटी थी दैट इज योर हरप्पन सिटी सॉरी हरप्पा सिटी एच ए आर ए डबल पी ए सो हरप्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लो ठीक है एंड सेकेंड मोहन जिडारो वॉज दर इम्पोर्टेंट डिस्कवर्ड इन रीजन एंड मोहन जीडारो जो इस टाइम टाइम पे पे सिविलाइजेशन के डिस्कवर हुआ था, ठीक है? सो वॉट दे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन देयर सिटी इनका जो सिटी था ना इन दस वैली पीपल बिल्ड अ वेल प्लान सिटी इनकी सिटी जैसे हमारा शहर बिल्कुल वेल well प्लान है, है ना प्रॉपर घर है प्रॉपर मार्केट है ठीक है हर घर के पास उनका एक अपना ड्रेनेज सिस्टम होता है इज इट बाहर से जो कोई लोग आते हैं उनके लिए एक प्रॉपर होटल रूम्स रेस्ट रूम्स अवेलेबल होते हैं प्रॉपर रेलवे स्टेशन है अगर आपको कहीं आना जाना है तो तो हमारा सिटी क्या है वेल प्लान सिटी है तो उस टाइम पे भी इन्होंने एक वेल प्लान सिटी बनाई थी जहाँ पे ग्रेनरीज हुआ करते थे प्रॉपर मार्केट्स होती थी जहां पे पोट्रीज ज्वेलरीज बिकती थी पोट्रीज मिट्टी के सामान ज्वेलरीज जो आप जानते हो ठीक है गहने वगैरह बिकते थे ठीक है उनकी सिटीज जो घर होते थे वो बिल्डिंग्स होती थी वो प्रॉपरली बनाई गई होती थी अब इनका एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है मोहन का द ग्रेट बाथ सी द पिक्चर दिस इज ग्रेट बाथ सो ग्रेट बात क्या था एक टैंक टाइप का बना हुआ था जिसमें कि वाटर फिल किया जाता था और कुछ भी जो रिलीजियस एक्टिविटी होती थी वो यहाँ पे परफॉर्म किया जाता था ठीक है रिलीजियस एक्टिविटी मतलब पूजा पाठ या फिर कोई भी ऐसा जो भगवान से या फिर रिलीजन से आपका रिलेटेड है वो सारी चीज़ें यहाँ पर परफॉर्म की जाती थी दे हैव प्रॉपर ग्रेनरी ग्रेनरी का मीन्स एक ऐसा स्टोर हाउस जहाँ पे इनका जो एक्स्ट्रा जो भी ग्रेन्स ये प्रोड्यूस करते थे व्हीट राइस ठीक है जो भी ये प्रोड्यूस करते थे इनको यहाँ पे स्टोर करके ये रखते थे आज के टाइम पे भी आप देखते हो ना गांव में जिनका घर गांव में होता होगा वहाँ पे खलिहान होता है ठीक है जहाँ पे एक्स्ट्रा जो अनाज होते हैं जो धान होते हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है तो उस टाइम का उस समय भी एक ऐसे ही ग्रेनरी बनाई जाती थी जहां पे लोग एक्स्ट्रा जो भी धान होता था अनाज होता था उसको स्टोर करके रखते थे तो दिस इज हाउ योर सिटी वॉज बिल्ड। नाउ अराउंड फाइव हंड्रेड बी सम ट्राइब्स केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया हम एशियन कॉन्टिनेंट में रहते तो हमारे एशिया का जो सेंट्रल एशिया है जो मिडिल पार्ट है वहां से कुछ लोग फिफ्टीन हंड्रेड बी के अराउंड सेंट्रल एशिया से इंडिया हमारे कंट्री में आते हैं ठीक है दे वर कॉल्ड इंडो आर्यस इनको क्या बोला जाता था इंडो आर्यस बोला जाता था अंडरलाइन दिस दे ड्रोव अवे द पीपल ऑलरेडी लिविंग इन नॉर्थ इंडिया तो हमारे कंट्री के नॉर्थ पार्ट में जो भी लोग रहते थे उनको इन्होंने इंडो आर्यन ने जो सेंट्रल एशिया से आए थे उन उन लोगों ने इनको वहाँ से हटा दिया एंड ठीक है वो खुद वहाँ पे जाके क्या हो गए सेटल डाउन हो गए Now the Aryans grew crops, domesticated animals, performed open-air ceremonies and sacrifices. As the Vedas were written at this time, this period is also called the Vedic Age. So Aryans जो थे, Indo Aryans जो आए, इन्होंने agriculture की, बहुत सारी crops grow कीये, animal को domesticate मतलब जैसे cows and oxes थे, dogs थे, उनको इन लोग domesticate करने लगे, पालने लगे, so that वो अपना काम कर सके. इन एनिमल्स के हेल्प से ठीक है दे परफॉर्म्ड ओपन एयर सेरेमनीज ओपन एयर सेरेमनीज क्या होता है जो भी रिचुअल सेक्रीफाइज मतलब बलि दी जाती थी या शादी ब्याह के जो भी सेक्रीफाइसेस होते थे पूजा पाठ जो होती थी ये वहां पे हवन वगैरह ये लोग परफॉर्म करने लगे तो इस पीरियड को हम वैदिक एज भी बोलते ठीक है वाई

अदीज बुक्स टेल अस लॉट अबाउट पीपल ऑफ़ दिस टाइम पावरफुल किंग्स राजन विद द हेल्प ऑफ पुरोहित और द रॉयल प्रीस्ट एंड सैनानी कमांडर ऑफ द आर्मी ये जो है बुक्स ये उस टाइम के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है जैसे रामायण महाभारत आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस देते हैं ना द्वापर युग में राम के बारे में कृष्ण के बारे में बहुत सारे राजा जो उस वक्त आए थे है ना तो उन लोगों ने क्या किया था वो जो भी घटनाएं थी जो भी इंसिडेंट्स थी ये सारी चीजें हमारे इन रिलीजियस बुक्स में लिखी हुई हैं और ये सारे इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ उन किताबों से ही मिलता है नाउ सीयर इन थर्टीन हंड्रेड ट्वेंटी वन बी सी चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम द रूलर ऑफ मगध ठीक है 1321 BCE के टाइम पे सबसे मौर्यन रूलर जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे आप लोगों ने सीरियल भी देखा होगा बहुत पहले एक सीरियल आता था ठीक है तो वो मगध के राजा थे एंड ही फाउंडेड अ न्यू अम्पायर दैट इज नोन एज अ मॉरेन एम्पायर तो इन्होंने एक नया राज्य इन्वेंट किया था जिनको मौर्य राज्य बोला जाता था मॉरन एम्पायर बोला जाता था और इसको किसने इन्वेंट किया था किसने इस्ट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने ठीक है विद द हेल्प ऑफ इस एडवाइजर कौटल्या कौटल्या जिनको हम चाणक्य बोलते हैं ठीक है कौटल्या का दूसरा नाम चाणक्य था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर अपना एक अलग राज्य स्थापित किया था जिसको मौर्य राज्य बोला जाता था उस समय मौर्य एम्पायर बोला जाता था इज इट क्लियर लेटर ऑन हिज ग्रैंड सन अशोका बिकेम द एम्पर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका जो पोता था ग्रैंड सन अशोका अशोका के बारे में आप सब जानते हो ये भी एक सीरियल आई थी ना ठीक है तो ये सब आप देखे हो तो आपको पता होगा कि हमारे हिस्ट्री में ये कितने ही ग्रेट रूलर्स हुआ करते थे और कितने ब्रेव हुआ करते थे ठीक है तो लेटर ऑन अशोका कौन थे ही वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंड uh, सन थे मतलब पोते थे he became he was a brave ruler he fought war against kingdoms called Kalinga उन्होंने बहुत सारी लड़ाइया जीती ठीक है but last उनका जो लड़ाई था अशोका का वो कलिंग की लड़ाई थी ठीक है कलिंग वॉर में ही so many सो he पीपल सो मच ऑफ ब्लड शेड्स उन्होंने इतना खून खराबा देखा उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स को ही लॉस्ट एट दैट टाइम एंड देन ही फेल्ट गिल्टी अबाउट इट फिर उनको इस चीज के लिए बहुत बुरा लगा जब उन्होंने इतने लोगों को मरते हुए देखा उनको रियलाइज हुआ कि दिस इज वेरी बैड थिंग ये बहुत ही खराब है ये जो खून खराबा है वॉर है लड़ाई झगड़ा बहुत खराब है तो उन्होंने क्या किया अपना जो राजा थे वो उन्होंने उसको गिव अप कर दिया एंड ही बिकेम बुद्धिस्ट वो क्या बन गए एक बौद्ध धर्म को अपना लिया और वो एक बुद्धिस्ट बन गए सो कलिंग वॉर जो था अशोका ने द लास्ट वॉर वॉर विच ही फॉट योर कलिंग वॉर जो सबसे आखिरी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी वो कौन सी लड़ाई थी कलिंग वॉर थी ठीक है अशोका गॉट मेनी रॉक एंड पिलर्स इनक्रिप्शन रिटर्न एंड पुटअप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हिस एम्पायर सो दैट पीपल कुड रीड सो दैट पीपल कुड रीड मैसेजेस ऑन दम वेन अशोका बिकेम बुद्धिस्ट जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया उन्होंने बहुत सारे पिलर्स पे बहुत सारी चीजें जो बौद्ध धर्म बताती है उन्होंने लिखा था सो दैट पीपल उसको पढ़ पाएं और उन चीजों को फॉलो कर पाए तो अशोका ने ये सारी चीजें जो थी बौद्ध धर्म को अपने कंट्री के अलावा इंडिया के अलावा बाकी भी एशिया कॉन्टिनेंट और जो देश आते हैं कंट्रीज आते हैं वहां तक इन्होंने इसको स्प्रेड किया आफ्टर मौर एम्पायर जब मौर्न अशोका ने सारी गिव अप चीजें कर दी उन्होंने वेन ही गेव अप एवरी थिंग ठीक है गुप्ता रूलर्स गेम ओवर ठीक है मौर्य के बाद मौर्य राज के बाद गुप्ता रूलर्स आए एंड इंडिया बिकेम अ रिच कंट्री अंडर देम उनके जब अंडर में गुप्ता रूलर्स के अंडर में जब हमारी कंट्री आई देन इट बिकेम वेरी रिच हमारा कंट्री बहुत ही अमीर हो गया सम हिस्टोरियंस कुछ हिस्टोरियंस जो है इस कंट्री इस टाइम को इस पीरियड को जब गुप्ताज यहां पे रूल करते थे उसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया एंशंट इंडिया बोलते हैं ठीक है बिकॉज यहां पे जितनी भी आर्ट कल्चर साइंस मैथेमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी ग्रामर सब इस टाइम पे डेवेलप हुए ठीक है मैथेमेटिक्स मींस मैथ्स की जो भी चीजें थी साइंस की जो भी चीजें थी विज्ञान गणित एस्ट्रोनॉमी ग्रामर सारी चीजें इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिवेलप हो गई थी हमारा कंट्री बहुत ही रिच हो गया था जिसको जिसकी वजह से इस टाइम को गोल्डन एज बोला जाता था सो दिस वॉज द एंड ऑफ यीरियड यहाँ पे आपका एंशियट पीरियड खत्म होता है नाउ कम्स द मेडिवल पीरियड बाय द एंड ऑफ द सेवन सेंचुरी एंड देवर अट्रैक्टेड टू द वेल्थ ऑफ इंडियन किंगडम्स इंडिया एशिया के जो सेंट्रल एशिया के जो रूलर्स थे ठीक है वो बहुत ही पावरफुल थे और जब उन्होंने हमारे कंट्री का इतना मतलब धन दौलत देखा हमारे कंट्री के रिचनेस को देखा देन देवर अट्रैक्टेड बाई इट सो

एन ही बिकेम द न्यू सुल्तान ऑफ आर दिल्ली दिल्ली के ये नए सुल्तान बन जाते कतुबुद्दीन एबक एन ही सॉरी न्यू एम्पायर दैट वॉज योअर सल्तनत पीरियड ही वॉज फॉलोड बाई पावरफुल रूलर लाइक अल्तुतमिश रजिया सुल्तान एंड ऑल कुतुबुद्दीन एबक के बाद बहुत सारे पॉरफुल रूलर्स आते हैं लाइक अल्तुतमिश रजिया सुल्तान बालबन इन्होंने इनको इनके राज्य को आगे बढ़ाया ठीक है वेन दिल्ली सल्तन डिक्लाइंड जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है केम टू एन एंड डिक्लाइन का मतलब उसका अंत हो जाता है जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है देन कम्स योर मुगल एम्पायर उनके बाद कौन आता है मुगल राज्य हमारे देश पे आता, मतलब हमारे देश में मुगलों का राज्य शुरू होता है ठीक है आर यू सींग हाउ मेनी पीपुल हाउ मेनी किंग्स रूल्ड आर कंट्री ठीक है पहले मौर्न एम्पायर था तो वो इंडियंस थे ठीक है उसके बाद ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद घजनी मोहम्मद घोरी ये जो लोग थे वर नॉट आर कंट्री पीपल ये हमारे देश के लोग नहीं थे ये हमारे कंट्री में आए हमारे कंट्री की जो भी वेल्थ थी जो भी धन दौलत थी उसको लूटा एंड देन दे वेंट बैक टू देयर प्लेसेस फिर वो अपने जगह पे चले गए ठीक है उसके बाद सल्तनत पीरियड आया जिसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारे कंट्री को रूल किया हमारे कंट्री के ऊपर राज्य किया उसके बाद जब सल्तनत पीरियड खत्म हो जाता है मुगल लोग मुगल का राज्य आता है मुगल पीरियड कम्स एंड देन दे टूक ओवर द अकबर सॉरी बाबर लेट द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया सबसे पहले जो मुगल uh, राज्य के जो राजा थे दैट वॉज बाबर बाबर वॉज द फर्स्ट रूलर फर्स्ट किंग ऑफ योर मुगल किंगडम देन लेटर ऑन हुमायू बिकेम द मुगल एम्पायर बाबर के बाद जो हुमायूं थे जो बाबर के बेटे थे ही रूल्ड अवर कंट्री एंड देन सन अकबर अकबर के बारे में हम सब जानते आप लोग भी जानते हो गए ही वॉज वेरी फेमस एंड द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर वो बहुत ही फेमस और ग्रेटेस्ट मुगल रूलर थे बिकॉज ही वॉज लिटिल नाइस वो अच्छे थे ही हैज डन मेनी थिंग्स फॉर आर कंट्री हमारे कंट्री के लिए हमारे इंडिया के लिए उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें की हुई थी ठीक है ही कॉन्क नंबर ऑफ किंगडम्स एंड ब्रॉड गेट ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया अंडर इज कंट्रोल उन्होंने बहुत सारे राज्यों को कॉन्कर किया मतलब हराया और बहुत सारे राज्य को अपने अंडर में अपने कंट्रोल में किया ठीक है आफ्टर अकबर कम्स जहांगीर एंड देन शाहजहां अकबर के बाद फिर जहांगीर हमारे कंट्री को रूल करते हैं जो अकबर के बेटे थे एंड उसके बाद फिर शाहजहां हु बिल्ड द फेमस मॉन्यूमेंट ताजमहल शाहजहां को आप सब जानते हो ना जिन्होंने ताजमहल बनाया था शाहजहां बाय हिज सन औरंगजेब शाहजहां के जो बेटे थे औरंगजेब ही रूल्ड आर कंट्री उसके बाद फिर कौन राजा बना औरंगजेब एंड ही द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको अंडरलाइन कर लो आप लोग मुगल डायनेस्टी के सबसे आखिरी रूलर कौन थे औरंगजेब ठीक है सो दिस वॉज द थिंग वेन औरंगजेब द रूलर हु केम आफ्टर औरंगजेब दे लॉस देयर पार ग्रेजुअली एंड दे वर नोन एज लेटर मुगल्स औरंगजेब के बाद जो भी मुगल रूलर्स आए वो उतने पावरफुल नहीं थे ठीक है तो वो ज्यादा दिन तक हमारे कंट्री को रूल नहीं कर पाए एंड उनके बाद औरजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर्स आए उनको लेटर मुगल्स एल ए टी ई आर लेटर मुगल्स बोला जाता है तो वो ज्यादा पावरफुल नहीं थे इसलिए उनके बाद फिर राजपूत मराठा सिख एंड मैसूर के जो भी राजा थे वो सारे पावरफुल हो गए ठीक है देन कम्स योर मॉडर्न पीरियड जो हमारा थर्ड पार्ट है हमारे हिस्ट्री का जो थर्ड पीरियड है दैट इज यर मॉडर्न पीरियड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैज़ स्टार्टड कमिंग टू इंडिया डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल हेल्प दीज कंपनीज टू बिकम मोर पावरफुल मुगल राज्य के समय जो यूरोप के जो कुछ कंपनीज थी वो हमारे कंट्री में आती हैं क्यों आती हैं ट्रेड करने के बहाने से कि हम आपकी कंट्री में कुछ ट्रेडिंग करेंगे ट्रेडिंग का मतलब आप लोग समझते हो ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम बाहर से उनका जो कुछ चीजें थे वो हमारे कंट्री में लेके आते थे और हमारे कंट्री की जो कुछ चीजें थे वो अपने कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे ठीक है देन वॉट हैपन दीज यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टड फाइटिंग अमंगल्फ फिर वो अपने में ही फाइट करना शुरू कर देते थे सो देट दे केन बिकम मोर पावरफुल वट आई वो स्टेलिंग दे स्टार्टेड फाइटिंग अमंगल्फ वो खुद में ही फिर लड़ाई करने लगे सो देट दे के दे केन बिकम मोर पावरफुल बट देन वॉट हैपन्स ब्रिटिशर्स कम्स ब्रिटिशर्स आप सब जानते हो कि हमारे कंट्री पे इन लोगों ने कितने टाइम तक रूल किया था तो ब्रिटिशर्स आते हैं और ये जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी और इनके साथ जो फ्रेंच पोर्टुगीज और डच कंपनीज थी इनको ब्रिटिशर्स क्या करते हैं डिफीट कर देते हैं हरा देते हैं एंड देन दे टूक ओवर द कंट्रोल ऑफ अर कंट्री तब फिर हमारे कंट्री में ब्रिटिश शासकों का ब्रिटिश किंगडम का रूल होने लगता है ब्रिटिश शासकों का राज्य हमारे कंट्री पे आ जाता है ठीक है दे took ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो भी हमारे कंट्री से रिलेटेड जो भी डिसीजन हुआ करते थे अब ब्रिटिश लेने लगे थे कोई भी किंग्स नहीं ले पाते थे ठीक है बिकॉज दे बिकेम वेरी पावरफुल आपने बहुत सारा सीरियल्स देखा होगा ना रानी लक्ष्मी बाई और भी बहुत सारे सीरियल्स बने जिनमें आप देखते हो ना ब्रिटिशर्स कितने क्रूअल थे वो हमारे आ, इंडियन पीपल को इंडियन आ, जो भी किसान होते थे ठीक है फार्मर्स को कितना क्रिटिसाइज करते थे उनको कितना परेशान करते थे उनपे कितनी हाई टैक्सेस मतलब कि उनसे बहुत ज्यादा लगान टैक्सेस जो होते हैं उनसे वसूल करते थे उनसे बहुत ज्यादा खेती कराते थे उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी इंडिगो नील मतलब जो हम अपने कपड़े में आज जो नील यूज करते हैं ना वो तो नील की खेती कराई जाती थी उससे क्या होता था Uh, उससे क्या होता था कि जब नील की खेती हम एक जमीन पे कर लेते उसके बाद हम वहाँ पे कुछ और क्रॉप्स कुछ और भी खेती नहीं कर सकते क्योंकि क्या होता है फिर वहाँ की ज़मीन जो है बिल्कुल ही खराब हो जाती है बैरन हो जाती है मतलब बंजर हो जाती है ठीक है तो किसान उसको नहीं करना चाहते थे बट फोर्सफुली ये वो सारे काम हमारे इंडियन फार्मर्स से कराते थे एंड देवर अदर वेज ऑल्सो दे यूज टू डिमोलिश सॉरी दे यूज टू क्रिटिसाइज आर इंडियन पीपल सो वॉट हैपन द एक्सप्ल पीपल टू द एक्सटेंट ये हमारे इंडियन पीपल को इंडियन फार्मर्स को यहाँ पे जो भी लोग रहते थे उनको बहुत ज्यादा इन्होंने एक्सप्लाइट किया इसके बाद क्या हुआ दे रिवोल्टेड भगत सिंह महात्मा गांधी चंद्रशेखर आजाद आप सबने इन लोगों का फ्रीडम फाइटर्स का नाम सुना है ना इन सब ने मिलके मंगल पांडे इन सब ने मिलके क्या किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया ठीक है उनके खिलाफ गए इनके अगेंस्ट लड़ाई की बट फिर क्या हुआ 1857 के समय में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ जिनको दबा दिया गया जिनसे वो हमारे इंडियन लोग जीत नहीं पाए उनको हरा दिया गया एंड इंग्लैंड बिकेम क्वीन ऑफ इंग्लैंड बिकेम टू रूल द इंडियन एम्पायर फिर क्या हुआ जो हमारे कंट्री का जो भी कंट्रोल था जो भी uh, रा, राज्य हमारे जो कंट्री का जो भी कंट्रोल था जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड के हाथ में चला गया ठीक है मेनी एजुकेटेड इंडियंस फॉर्म पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू फ्री आर इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने क्या किया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया लोग एक साथ मिलकर जैसे जवाहरलाल नेहरू दे ऑल फॉर्मड एन इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन सो दैट वो हमारे इंडिया को हमारे कंट्री को फ्री कर सके इसमें महात्मा गांधी ने सिर्फ महात्मा गांधी ने ही नहीं भगत सिंह ने और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे कंट्री को ब्रिटिश से फ्री कराने के लिए फाइनली फिफ्टींथ ऑगस्ट 1947 को आर कंट्री गॉट एन इंडिपेंडेंट हमारे कंट्री को क्या मिली आजादी मिली इंडिपेंडेंस मिली फिफ्टींथ ऑगस्ट को 1947 में सो दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ आर कंट्री सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर हमारा चैप्टर ये यहीं पे खत्म होता है ठीक है आई एल एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास अगैन सो इफ यूल बी हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी एट दैट टाइम दैट सॉल्व फॉर टूडे थैंक यू